राजनीति में अपराधीकरण एक गंभीर संकट है जो कभी कभी मीडिया में सुर्खियां पा जाता है। जब किसी माफिया या गैंगस्टर का एनकाउंटर होता है या फिर जब कोई बाहुबली चुनाव मैदान में उतरता है, लेकिन फिर रात गई बात गई, कोई ज्यादा परवाह नहीं करता। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स यानी अपराधियों का राजनीति में आना, आप सोच रहे होंगे आपको इससे क्या लेना देना। मैं भी यही सोचता था जब तक डरा देने वाले सच मेरे सामने नहीं आए थे। राजनीति का अपराधीकरण सीधा आपसे जुड़ा है, आपके बच्चों के भविष्य से जुड़ा है। कैसे, मैं बताऊंगा। ये एपिसोड आखिर तक देखिएगा। 5 साल पहले यूपी को लेकर क्या चर्चा होती थी? 5 साल पहले दबंग और दंगाई ही कानून थे, उन्हीं का कहा ही शासन का आदेश था और माफिया सरकारी संरक्षण में खुलेआम घूमते थे। उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत 5 राज्यों के मौजूदा चुनाव में एक बार फिर माफिया, दबंग और बाहुबली जैसे शब्द गूंज रहे हैं। हिंदी बेल्ट, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपराधियों के आने का जो सिलसिला दशकों पहले शुरू हुआ था, वो मौजूदा चुनाव में भी एक अहम मुद्दा है। यूपी में पहले चरण के चुनाव पर नजर डालें तो साफ है कि इस बार भी आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। यूपी चुनाव के पहले चरण में अलीगढ़, आगरा, मुजफ्फरनगर, बागपत और मेरठ समेत 11 जिलों की 58 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR की रिपोर्ट के मुताबिक पहले चरण के 623 में से 156 यानी 25% उम्मीदवार दागे हैं। बीजेपी के 57 में से 29, समाजवादी पार्टी के 28 में से 21, राष्ट्रीय लोकदल के 29 में से 17, कांग्रेस के 58 में से 21, बहुजन समाज पार्टी के 56 में से 19 और आम आदमी पार्टी के 52 में से 8 उम्मीदवारों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। ADR की रिपोर्ट में भी ये कहा गया है कि प्रत्याशियों के चयन में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का भी कोई असर नजर नहीं आया है। राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण पर चिंता जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2021 में आदेश दिया था कि उम्मीदवारों के ऐलान के 48 घंटे के अंदर राजनीतिक दलों को उनके आपराधिक रिकॉर्ड जनता को बताने होंगे, साथ ही उम्मीदवारों का आपराधिक इतिहास भी प्रकाशित करना होगा। खास बात यह है कि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मौजूदा चुनाव में भी कानून व्यवस्था एक बड़ा चुनावी मुद्दा है, लेकिन उम्मीदवारों पर नजर डालें तो इस मुद्दे की हकीकत खुलकर सामने आ जाती है। यह है प्रतापगढ़ की कुंडा सीट से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। दर्जनों संगीन मामलों में मुजरिम बने राजा भैया पोटा के तहत जेल भी जा चुके हैं, लेकिन 6 बार विधायक बनने के बाद 7वीं बार भी चुनावी मैदान में हैं। जनसत्ता दल के निशान पर चुनाव लड़ रहे राजा भैया बीजेपी और समाजवादी पार्टी की सरकारों में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। विरोधियों का आरोप है कि उन्होंने कुंडा को अपना गुलाम बना रखा है। समाजवादी पार्टी ने इस बार राजा भैया के खिलाफ जो उम्मीदवार मैदान में उतारा है, वो भी अपनी जान के खतरे का आरोप लगा रहा है। कल हमको धमकी दी जा रही थी तो हमने ट्वीट किया, हमने प्रशासन का सहारा लिया कि हमारी मदद करें और हमारी सुरक्षा करें। धमकी में क्या कहा जा रहा था? असभ्य बोल रहे थे लोग, असभ्य बोल रहे थे। किससे खतरा है आपको? रघुराज प्रताप सिंह, MLC अक्षय प्रताप सिंह मेरी हत्या करा सकते हैं। ABP News आपको रखे आगे।